इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्लैपिंग गर्ल, पापा की ऐसी परी जो उड़ उड़ के सबको मारती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया, प्रियदर्शिनी, जिसने कुछ दिनों से पूरे सोशल मीडिया की अटेंशन अपनी तरफ कर रखी है। एक तरफ हमारे स्पोर्ट्स पर्सन ओलंपिक्स में जाके गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, लेकिन इन दीदी का अपना ही चल रहा है। लाइक अपनी जिंदगी झंड होती है, इनको सबकी जिंदगी झंड करनी होती है भाई, ये चीज हम देख लिए। मैंने बहुत अवॉइड किया कि ये जो करंट इश्यूज है इनपे इतना ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करे, कभी राज कुंद्रा अपने इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके सामने आ जाता है। समझ रहे हो ना। तो कभी कोई राह चलती लड़की किसी को भी पकड़ के चपैक 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 थपाड़ मार मार के पागल कर देती है भाई। ऐसी दीदी को ना सही टाइम पे सही सबक सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं इनकी वजह से जो इनोसेंट गर्ल्स हैं उनको भी भुगतना पड़ता है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या इंसिडेंस है, कब हुआ है और क्यों हुआ है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि हम इस इंसिडेंस से क्या सीख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन जो आप एक पूरी जो इस पूरी स्टोरी से आपको सीखनी है। पहले जिनको नहीं पता है कि क्या इंसिडेंस है उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ, पहले आप ये वीडियो देखो। सिर्फ एक चीज दिखाई दी कि एक लड़की रोड क्रॉस कर रही है, वो एक गाड़ी के सामने रुक जाती है, गाड़ी एकदम से ब्रेक लगती है और उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है, और उसके बाद वो लड़की उस कैब ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाल लेती है। इतनी सी स्टोरी समझ आ गई, और इसके बाद की स्टोरी अब देखिए। ये लड़की कैब ड्राइवर को कैब से बाहर निकालती है, उसको गालियाँ देती है, उसका फ़ोन तोड़ देती है, और उसके बाद इनका असली कार्यक्रम शुरू होता है थप्पड़ मारने का। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा था कि लड़की करना क्या चाहती थी। इंसान गुस्से में होता ना, एक दो तीन थप्पड़ लगाता है, उससे ज़्यादा तब जाता है जो सामने वाला फाइट में आए। लेकिन ये बंदी अपने उसमें लाइक मारने में इसको इतना मज़ा आ रहा था कि रुक ही नहीं रही थी, थपाक थपाक थपाक, ऐसा लग रहा था वो प्रैक्टिस करके आई है कि रास्ते में मुझे मौका मिले मैं तो तोड़ दूंगी, जो मिलेगा मैं उसको मार दूंगी, ऐसे वाले हाल लग रहे थे मुझे तो उस लड़की के देख के। पूरे 22, और उसको मारते मारते इसकी अपनी हालत ऐसी होगी जैसे अब भी गिर जाएगी चक्कर खा के। पकड़ो वो इसको, गिरगी ना तो तुम्हारे ऊपर केस डाल देगी। हाँ मैं तो उसको मार रही थी, इसको मारते मारते गिर गई हूँ मैं, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तुम्हें कहेगी प्रोटेक्शन चाहिए भाई, तुम्हारी वजह से हमारी प्रोटेक्शन खतरे में आ रही है। और देख के हैरान की उछल उछल के ऐसे तो हमने नहीं प्रैक्टिस किया, हम लोगों ने बहुत मार खाई है बचपन में, पेरेंट्स से खाई है, बड़े होकर प्रैक्टिस के टाइम पे बहुत मार खाई है, लेकिन ऐसे मार खाने वाला और मारने वाला इंसिडेंस कभी भी नहीं देखा है। आप लोगों ने बचपन में मार खाई है ना, सच्ची सच्ची बताना, सबने खाई होती है यार, कौन सी बड़ी बात है। ऐसे लोग पता नहीं किस चीज़ का बदला निकालते हैं। ऑनेस्टली बताऊँ ना, मेरे हिसाब से उस कैब ड्राइवर की सिर्फ एक गलती थी कि उसने टाइमली ब्रेक लगा दी। और दीदी अगर आप चंडीगढ़ में होते ना तो अब तक आप परलोक सिधार गए होते। और ऐसा ही सेम केस चंडीगढ़ में हुआ था, जहाँ पे एक लड़की ने ग्रीन लाइट होते ही अपनी स्कूटी भगाई थी, और उस दूसरी साइड से हरियाणा रोडवेज की बस आई और उसको साथ में ले गई, और उस केस में उस लड़की की डेथ हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे आप लोगों को ये बताया जाता है कि ट्रैफिक रूल्स की आपको रोड पे चलते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसका एक्स हो गई, उससे तंग हो गए ना, बोल दे तू जॉब हार्ड में, मैं अपनी चला लेता हूँ, मैं घर चलाऊंगा, और वो उस चीज का बदला ले रही है। ओह माय गॉड, वाओ। चलो मजाक को रखो साइड में, ये सब मजाक है, लेकिन ये चीज तो सोचने वाली है ना कि कहाँ जा रही है हमारी कंट्री। एक टाइम एक जगह हमारी लाइक गर्ल्स जो कि ओलंपिक में मेडल लेके आ रही है, और दूसरी साइड ये हमारी पापा की परी, और तू देखो टीवी शो में आके बंदी अगर दिखा रही है। किडनी की बीमारी है, चलिए जो भी है,
आप जिस तरह से उस कैब ड्राइवर को मार रही हैं, आप तो हसमुस लग रही हैं। आप तो मेरे से ज्यादा सेहतमंद लग रही हैं। जब गाड़ी रुकी आपके सामने, तब का फुटेज हम दिखा रहे हैं। पूरी फुटेज आपके पास कैसे हो सकती है? हाँ। सर, पूरी फुटेज आपके पास कैसे हो सकती है? पूरी फुटेज तो उस सीसीटीवी में ना, जो मेट्रो स्टेशन पे लगा हुआ है और जो सिग्नल पे लगा हुआ है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं? श्री दर्शनी जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या? बहन, माफी मांगते हैं गलती हो जाने के बाद, सर पे नहीं चढ़ते हैं। और इन लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। भाई तुम लोग किसी को बिना मतलब के, सबसे पहली बात, तुम लोग कभी भी कानून को अपने हाथ में ले नहीं सकते हो। उसको इतनी सी खरोच नहीं आई है और बंदे ने ब्रेक लगा दी है, वो बंदी जाके पुलिस में जाए, पुलिस जो करेगी होएगा, फाइन होगा, कुछ भी होगा, ठीक है ना, एक लीगल एक्शन है। एक तुम उठा के उसका फोन तोड़ रहे हो, उसको गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहे हो, उसको मार रहे हो, भाई ये कौन सा कहाँ का रूल है ये? और पुलिस वाले खुद नहीं कुछ कर सकते, वुमेन सेल को बुला लो और इसको रोक लो, मारो मत, पीटो मत, उसको रोको। ये महान बंदी कोई और आके इसको रोक रहा है तो उसके थपेड़दारी और उड़ उड़ के मारी। भाई मैं तो देख के रहा हूँ, इतना उड़ उड़ के हमने कभी अपने प्रैक्टिस में ही नहीं कभी किसको मारा है। टपैक टपैक, हद है, इतना कौन मारता है उड़ उड़ के? और किस चीज का बदला ले रही है भाई तुझसे कि उसने ब्रेक लगा दिए? मैं होती ना, मैं तो तेरे दो चार रख देती साथ में और फिर बोलती, बोल अब चढ़ाऊं गाड़ी या ब्रेक लगाऊं? एक तो तुम्हें दिखता नहीं है, तुम हेडफोन लगा के सड़क के बीच में चलते हो और ग्रीन लाइट एक सेकंड एक्स्ट्रा वेट नहीं कर सकते, सारी गाड़ियां रुक जाए। तुम चलती हुई गाड़ियों के बीच में से निकल रहे हो और गलती फिर भी सामने वाले की है। वाह वाह रे मेरे भोले बंछी, तुम लोग तो लोगों को पैदल चलना, तुम्हारी जैसे लोग जब स्कूटी चलाते हैं ना, दूसरों का एक्सीडेंट करके भी बोलते सॉरी भैया, और जब ऐसे ही रहते तो तुम लोग मारने को पिटते हो। पता है कि लड़कियों के वैसे कितने एक्सीडेंट होते हैं, और इस एक्सीडेंट की जिम्मेवारी दीदी आप ही जिम्मेवार हो इसकी भी। दो मिनट वहां पे रुक जाते कुछ नहीं होता, लेकिन आपको बहुत ही चिल मची थी जल्दी जाने की, आपके चक्कर में किसी और का नुकसान हो गया। और उसके बाद दूसरे दिन मैडम जी अकाउंट में डालिए, बहुत मजा आता है ना एक महंगा फोन तोड़ के। अब देखो अब लोगे मजे बेटा, और इनको लगता है कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? आपको क्या लगता है सब आपकी आरती उतारेंगे? बहन आपने बहुत अच्छा काम किया, अब चौड़े होके कुछ भी बोलो, गलत बोलोगे तो कोई भी क्यों होने का। सुन, FIR दर्ज हो चुकी है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है, कोई बोला उसको रोबरी का केस है, कोई बोला हरकतें ये वो जो भी है, व्हाटसोएवर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि हमें इस इंसिडेंट से क्या सीखना है। सबसे पहले लेसन नंबर वन, अगर खुद के लिए नहीं लड़ोगे, खुद को डिफेंड नहीं करोगे, तो कोई और आपको बचाने नहीं आएगा। जैसे मैंने पहले कहा, मुझे लगता था सिर्फ लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि गलत करता है तो कोई बचाने नहीं आता, लेकिन यहाँ पे लड़कों के साथ भी सेम रूल है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, आपकी मौत हो जाएगी, आपके साथ में मिसबिहेव हो रहा है, आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, यहाँ पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो खुद के लिए लड़ो, लड़ना सीखो। कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है आपके पास में, बट एक लिमिट होती है जिसमें रह के आपको एक्ट करना होता है, वो आपको ध्यान रखना है, लेकिन आप खुद को डिफेंड कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है। आपका दिन ख़राब है, सामने वाले का दिन आपसे भी बुरा हो सकता है, अगर आप थोड़ा टाइम रुक जाते हो, अगर उसने पेशेंस कर ली होती कि पूरा ट्रैफिक रुकने के बाद आती, तो ये सारा केस होता ही नहीं। एंड सेकेंडली, ऑलवेज एक्ट फॉर जस्टिस, नॉट फॉर रिवेंज। जस्टिस और रिवेंज में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, जो कि हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। जस्टिस हमेशा ही क्राइम के अकॉर्डिंग होता है। इस केस में अगर वो सॉरी बोल देता, वहीं से काम ख़त्म हो जाता था, क्योंकि आपको पता होगा ना कि जब ऐसी परियां स्कूटी लेके निकलती है और किसी को रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, तो सॉरी बोल के खुद तो हाथ जोड़ के निकल लेती है, लेकिन जब किसी और के साथ में, और उस लड़के की तो सीरियसली कोई गलती भी नहीं थी, वो सही जगह पे रुका था, उसकी कोई गलती नहीं थी, सड़क के बीच में मरने के लिए जा रही थी, उसमें किसी का कोई गलती नहीं है, जब इनके साथ में कुछ होता तो इनको एरोगेंस शो करनी होती है। सो डोंट हैव टू फेसेस। एक चीज़ रखो, अगर आपसे गलती होती है, अगर ऐसी लड़कियाँ गलती करती है, तो उनको भी थप्पड़ मारो जाके, वो गलत है,
ऐसा नहीं करना है। कुछ भी ऐसा होता है तो थर्ड लेसन, अगर आपके साथ में कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप पुलिस की हेल्प लो, जो कोई इसे करना चाहिए था कि अगर इसको लग रहा था कि कुछ गलत हुआ तो उसको पुलिस के पास जाना चाहिए था। उसके बाद जो भी होता केस होता या फिर फाइन होता वो सारी चीज़ें लगती, लेकिन इस लड़की ने कानून को अपने हाथ में लिया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से इसके ऊपर केस होना चाहिए और वो हुआ भी है। एंड फोर्थ लेसन, डोंट गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दीज बुलशिट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे लोगों से इंस्पायर नहीं होना है। और इंस्पायर होना है तो हमारे पास में हमारे बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि रियल फेमिनिज्म का एग्जांपल है। उनकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल, मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी है, उनके बारे में पढ़ा है, वो रियली ट्रू इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो कि कुछ करना चाहते हैं और जिनके पास फाइनेंशियल जिनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत है, तो उनके लिए वो एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। मीराबाई चानू, मैरी कॉम, इन लोगों से इंस्पिरेशन लो यार, इन लोगों की तरह बनने की कोशिश करो। तुम लोग पता नहीं कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हो जो कि ऐसी हरकतें करके बैठ जाते हो। और सच बताओ ना, जिसके साथ में गलत होता है उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो ऐसी हरकतें करे। वो या तो वो ठीक है जहाँ तक जस्टिफाइड होता है वहाँ तक, वो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कोशिश करते हैं कि आप लीगल हेल्प लो और लीगल तरीके से सारा एक्शन हो, लेकिन जो लोग खुद घुस के ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे आप समझ जाओ कि ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि मैनिपुलेट किया जा रहा है। सो दिस इज़ द वर्स्ट केस, ऑल, इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। बट होप इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव आप लोगों को क्लियर हो गया हो। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, और देन स्टे सेफ, स्टे अलर्ट एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।